गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DTH Digital Skills पर। मैं हूं सबा, आज मेरे कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैशन इंस्टाग्राम बायोस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं सारे टॉप 10 इंस्टाग्राम बायोस जो कि फैशन इंस्टाग्राम बायोस हैं, तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो बिना कुछ देरी करें आज का इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, I dress as if I'm about to see my arch enemies. Guys, bio का मतलब ये होता है कि मैं इस टाइप से ड्रेसअप करती हूँ, कि इस तरीके से ड्रेसअप करती हूँ, इस तरीके से कपड़े को पहनती हूँ कि जैसे अभी मैं अपने एनिमी से मिलने वाली हूँ, मतलब अपने दुश्मन से मिलने वाली हूँ। गाइस, इस बायो का नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। इस बायो का मतलब ये है कि इतने अच्छे से ड्रेसअप करो या इतने अच्छे से ड्रेसअप करते हो कि जो भी आपको सामने मिलना, जो भी आपके सामने आपसे मिलने आए वो देख के आपका फ़ैन हो जाए। ओके, टेक अ पॉजिटिव मीनिंग, इसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं है। तो गाइज, ये एक बायो है जो कि फैशन बायो है, जो फैशन से रिलेटेड जानते हैं चीज़ें, उनको पता है कि वो किस टाइप से फैशन करना चाहिए, उनको पता है कि किस टाइप से ड्रेसअप करना चाहिए, किस टाइप से फैशन करना चाहिए। तो अगर आप उस टाइप के पर्सनालिटी हैं तो आपको ये बायो बहुत पसंद आने वाली है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बायो पर। बायो नंबर टू, माई क्लोथ्स माइट नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई विल श्योर। गाइज, बायो का मतलब ये होता है कि मेरे जो कपड़े हैं, ये ज़रूरी नहीं कि मेरे कपड़े से मैं कुछ अलग अलग कपड़े पहनूंगी तो उससे जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाएगा, बट ये ज़रूर होगा कि मैं वर्ल्ड को एक दिन चेंज करूंगी। इन द सेंस ये कि वर्ल्ड को चेंज, मतलब गाइज आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इस टाइप से कुछ करके ऐसा दिखाऊंगी कि वर्ल्ड को मेरी तरफ ऐसा मेरे से कॉपी करना पड़ेगा। तो गाइज, इस बायो का मतलब सिर्फ ये है। तो आई होप सो आपको एक पॉजिटिव मतलब मिला होगा इसका और आपको ये बायो समझ आया होगा और आपको ये बायो पसंद आया होगा। नंबर थ्री, आई विल मेक यू स्टॉप एंड स्टेयर। गाइस, का मतलब ये होता है कि मैं, अगर हम फैशन बायोस की बात कर रहे हैं तो फैशन से रिलेटेड ही बात होगी यहाँ पे। मैं इस टाइप से फैशन करती हूँ कि मैं आपको मजबूर कर दूंगी कि आप रुको और मुझे एक परसेंट देखो। लाइक कोई खूबसूरत चीज़ होती है तो आप रुक के देखते हैं उसे, हाँ ये वो है, लाइक ये आईफल टावर है या बुर्ज खलीफा है, जो भी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप एक बार रुक जाते हो और उसको देखते हो। गाइस, ये बायो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना रखी है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो आप टाइप के बायोस यूज कर सकते हो। बायो नंबर फोर, माई क्लोथ्स हाईलाइट माई कलरफुल लाइफ। का इसका मतलब ये होता है कि जो मेरे क्लोथ्स हैं वो हाईलाइट करते हैं मेरी कलरफुल जिंदगी को। लाइक जैसे मेरे क्लोथ्स हैं कलरफुल, वैसी मेरी कलरफुल जिंदगी है जो खुशियों से भरी है। अगर आप ऐसे पॉजिटिव बायो ढूंढ रहे हो और इतने इंटरेस्टिंग बायो ढूंढ रहे हो तो ये बायो आपके लिए परफेक्ट है। बायो नंबर फाइव, आई माइट बी ए फैशन मॉडल बट आई एम नॉट ऑल अबाउट द लेबल्स। का इसका मतलब ये होता है कि बेशक आप लोगों की नज़रों में मैं एक फैशन स्टार हूँ या मैं फैशनेबल हूँ, बहुत फैशन करती हूँ, अलग अलग ट्रेंडी क्लोथ्स वेयर करती हूँ। गाइज, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपके नज़रों में मैं ऐसी हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारे ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ जिसमें लेबल्स होते हैं, बहुत सारे महंगे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गाइज, अगर आप फैशन करना जानते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे कपड़ों की ज़रूरत है, आपके उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप अपने आप फैशनेबल हो सकते हैं, आप किस हिसाब से क्रिएटिव कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये बायो पसंद आई है तो आई होप सो आप इस बायो को ज़रूर यूज़ करेंगे। नंबर सिक्स, शॉपिंग इज़ माई थेरेपी हे इट्स चीपर। गाइस, का मतलब ये होता है कि ये उन लोगों के लिए बायो बना है जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग से प्यार करते हैं। तो जो भी इस टाइप की पर्सन है वो जहाँ भी देखते हैं शॉपिंग, वो जब भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे सस्ती चीज़ें देखते हैं वो बोलते हैं ओ माय गॉड हे इट्स चीपर, मतलब मुझे ये खरीदना है। लाइक एक्साइटमेंट, इट्स इन लाइन विद शो एक्साइटमेंट। ये आपका एक्साइटमेंट दिखाता है कि आप कितने लाइक उस टाइप की चीज़ों को पसंद कर रहे हो और उस टाइप की चीज़ें मतलब शॉपिंग को पसंद कर रहे हो और शॉपिंग किस रिलेटेड होता है फैशन से। तो गाइज, ये है एक इंटरेस्टिंग बायो और आई होप सो आप भी इसे पसंद कर रहे होंगे। नंबर सेवन, आई नीड न्यू क्लोथ्स मी एवरी डैम डे। गाइज, इस बायो का मतलब ये होता है कि मुझे हर डैम डे एक न्यू क्लोथ चाहिए होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे सारी लड़कियां कहती हैं जब भी वो कहीं जाती है। आपने सुना होगा हर घर में एक लड़की होती है, एक बहन होती है, एक माँ होती है, बट मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ स्पेशली, वो हमेशा ये कहती हैं कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मेरे पास कपड़े आते ही नहीं है, या जो भी है, मतलब जो भी, ये एक फेमस डायलॉग है हर घर का। और इनफैक्ट मैं भी यही बोलती हूँ, मेरी मामा भी यही बोलती है हमेशा कि इसके पास तो कभी कपड़े होते ही नहीं है। तो गाइज, अगर आप इस टाइप की पर्सनैलिटी हैं और अगर आप एक लड़की हैं, स्पेशली बॉयज़ का भी होता होगा आई डोंट नो, बट स्पेशली गर्ल्स के लिए बायो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वो चाहते हैं इस बायो को यूज़ करना तो वो आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर एट, माई पास्ट डजन गो विथ माई आउटफिट। गाइज, का मतलब ये होता है कि जो मेरा पास्ट है वो मेरे आउटफिट के साथ नहीं जाता है। गाइज, अगर आप इस टाइप के पर्सनैलिटी हैं कि जो आपका पास्ट है वो आप उसको लेकर साथ नहीं चलते हैं अपने प्रेजेंट में, तो आपके लिए ये बायो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप सो आपको ये बायो पसंद आया होगा और आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे।
Bio number 9. Money can't be a root of evil since shopping brings lots of happiness. का इस बायो का मतलब ये होता है कि लोग कहते हैं ना कि जब किसी लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो वो बहुत चेंज हो जाते हैं, उन पे एटीट्यूड आ जाता है, उनमें ईगो आ जाता है, जो भी आता है वो हो गया पैसे आने का एक नेगेटिव एग्जांपल। बट इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी के पास पैसे आता है तो वो उन पैसों से, स्पेशली गर्ल्स जो होते हैं जिन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, चाहे वो बॉयज़ हो अगर मैं बात करूँ या गर्ल्स हो, जिन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, वो क्या करते हैं जब उनके पास पैसे मिलते हैं तो वो कहते हैं हम शॉपिंग करेंगे बहुत सारी, और उस शॉपिंग से हमें क्या मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। तो गाइज ये भी तो एक पॉजिटिव वे हो गया मनी का, जैसे कहते हैं ना कि मनी इज़ द रूट ऑफ एविल। तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं कि शैतान का जो जड़ है वो मनी है या जो भी इस चीज़ों का जड़ है वो मनी है। नहीं गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे से हमें खुशी मिलती है। तो ये एक पॉजिटिव बायो है और ये आपको बस यही एक एग्जाम्पल से समझाया मैंने। आई होप सो आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा। और अगर आपको ये बायो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस बायो को इंस्टाग्राम बायोज में ज़रूर यूज़ करिए। बायो नंबर 10, वुमेन कैन लुक ब्यूटीफुल इन एनी आउटफिट बट द राइट आउटफिट मेक वुमेन बिकम पावरफुल। गाइस का मतलब ये होता है कि जो वुमेन्स हैं वो किसी भी आउटफिट में अच्छी लगती हैं, चाहे वो कोई सा भी आउटफिट वेयर करें। बट गाइस कुछ आउटफिट ऐसे होते हैं जिसको वुमेन पहनने के बाद पावरफुल बन जाती हैं। लाइक पावरफुल इन द सेंस, अगर नॉर्मल कपड़े पहनते इट्स ओके, गाइज अगर वो अपने पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है तो गाइज वो कितनी पावरफुल लगती है। तो गाइज कुछ क्लोथ्स भी ऐसे होते हैं जो बहुत पावरफुल बना देते हैं वुमेन को। तो बस यही कहने का मतलब था मेरे इस बायो को लेके। तो होप सो गाइज आपको ये जो आज का बायोस है वो बहुत पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगी एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने फैमिली का ध्यान रखें।